है, उसी कारण आज हमें राजनीति में आना पड़ा। देखिए एक बात स्पष्ट कहेंगे, ये देश ये राज्य ना पार्टी बदलने से बदलेंगे ना नेता बदलने से बदलेंगे, ये पार्टी और ये राज्य, ये देश और ये राज्य सोच और विचार बदलने से बदलेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी महोदया आपके बीच आई थी, गिरिडीह लोकसभा के प्रत्याशी उनके पार्टी के आपके बीच आए थे और यहाँ के विधायक जी भी आपके बीच आए थे, लेकिन क्या वो आपके बच्चों के भविष्य के बारे में कितना सोचते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज जब 25 तारीख को आप वोट देने के लिए जाएंगे, देखिएगा उस समय तापमान क्या होगा, आकाश भी जलता हुआ दिखेगा और धरती भी जलती हुई दिखेगी और साथ साथ आपका बदन भी जलेगा, लेकिन फिर भी आप वोट करते हैं। वोट इसलिए करते हैं कि आपको मालूम है कि आपके बच्चे का भविष्य इसी वोट से निर्माण होगा। तो चलिए माननीय मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी आई है, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन क्या वो वचन देंगी कि उनके बाद उनका पीढ़ी का कोई आदमी विधायक सांसद नहीं बनेगा। अब चलिए हम लोग अभी नया नया पार्टी बनाए, हम लोग वचन देते हैं हमारे दल में कोई ब्लड रिलेशन चुनाव नहीं लड़ेगा, ब्लड रिलेशन से चुनाव नहीं लड़ेगा। मैंने पहले कहा सोच बदलने से देश बदलेगा, सत्ता एक ही परिवार के हाथ में, शक्ति एक ही परिवार के हाथ में, देश की सारी संपत्ति देश के प्रधानमंत्री एक ही परिवार को दे रहे हैं और आप कहेंगे देश बदलेगा, आप कहेंगे राज्य बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है। इनको कहिए कि आप कुछ घोषणा कीजिए, मैनिफेस्टो वाला घोषणा नहीं, पहले खुद का घोषणा कीजिए कि आपका जहां घर है उसके बाहर एक बित्ता जमीन नहीं होगा। अरे भाई आप पूरे झारखंड को खरीद लेंगे, आज नेता विधायक क्या किए, पूरे झारखंड को खरीद लिए, आम व्यक्ति के लिए एक एकड़ जमीन नहीं आम है। आप पूरे झारखंड का सर्वे कीजिए, नेताओं के बाद जितना भी जनसंख्या झारखंड में है उनको सर्वे कीजिए कि एवरेज एक आदमी के पास कितना जमीन है। हमको लगता है 2 एकड़ 1.5 एकड़ से ज्यादा जमीन एवरेज यहाँ के जो किसान एक परिवार के पास उससे ज्यादा नहीं है। और जितने नेता जी हैं इनका हर एक जिला में 10 एकड़ 15 एकड़ 200 250 एकड़ जमीन है और ये कहते हैं भाई आपका भला करेंगे, ये कहते हैं आपके राज्य को उन्नति करेंगे और हम मान लेते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य। अरे एक बात बताइए, कोई आदमी अगर अपना जमीन बेचता है तो मजबूरी में बेचता है कि खुशी खुशी बेचता है, मजबूरी में बेचता है। जो नेता जनता की मजबूरी का फायदा उठा के उसका जमीन खरीद ले और आगे बोलता है बहुत अच्छे नेता है, किसानों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, घंटा मसीहा, तो मसीहा है आज। इसीलिए हम लोग ये भी घोषणा किए हैं कि अगर हम गिरिडीह लोकसभा का चुनाव जीतते हैं, आप तमाम हजरात के सामने आवाम के सामने ये घोषणा करते हैं, मेरा जो क्षेत्र है उसके बाहर हम 1 इंच जमीन नहीं खरीदेंगे। हम लीडर बनने आए हैं, मैं यहाँ लीडर बनने आया हूँ, ब्रोकर और डीलर बनने नहीं आया। इसलिए आज सोच, अब सवाल रह गया कि कैसे लोग आज, अगर मैं बात करूं तमाम, चाहे नेता मंत्री रहे चाहे आईएएस आईपीएस रहे, आप कभी भी गौर कीजिएगा उनके कार्यालय में महात्मा गांधी की तस्वीर लगी होती है, पर क्या गांधी की तस्वीर को मानना है या गांधी के विचारों को मानना है? अगर विचारों को मानना है तो गांधी जी का स्टेटमेंट था, रिसोर्सेज आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड, यानी जो संसाधन है वो हमारी जरूरत के लिए, जरूरत के लिए। मतलब क्या है कि एक गांव में अगर 100 आदमी है, गांधी की चूंकि गांधी के फोटो ये लोग सजा के रखते हैं, यदि एक गांव में 100 आदमी है और 100 रोटी है तो भैया एक एक रोटी 100 आदमी को मिलना चाहिए, ये गांधी का विचार है। लेकिन अगर यहाँ क्या होता है कि एक गांव में 100 आदमी है, रोटी 100 है, लेकिन 2 वो ताकतवर है, उन लोग 50-50 रख लिया, 98 को भूखे मर गया। ये इन नेताओं के आदर्श है और आप इनको कहते हैं ये देश बदलेंगे, राज्य बदलेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपकी आने वाली भावी पीढ़ी के बारे में कोई सोचे, तो आज आपको नौजवानों को मौका देना होगा। इसी देश में एक महान राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी कुछ बताना चाहूंगा। जब उनका डेथ हो गया तो एक सर्वे की टीम उनके गांव गई थी, सर्वे की टीम गांव इसलिए गई थी कि उनका मानना था कि भाई राष्ट्रपति है, वैज्ञानिक है, इतने बड़े विद्वान है, तो कितना संपत्ति है इनका। जब वो सर्वे की टीम कलाम साहब के घर गई और उस घर की तलाशी ली गई तो वहां क्या मिला मालूम है? शायद 2 को कमरा मिला 10x10 का, उन कमरों में 2500 किताबें थी, 16 या 12 डॉक्टरेट की उपाधियां थी, 2 जोड़
फटे हुए मोजे थे और शायद एक जोड़ी पतलून या कमीज था, एक और रुपया नहीं मिला था सिक्का, तो पैसा गया कहाँ? न माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अपना सारा पैसा अपने गांव रामेश्वर का क्षेत्र उनका था एक ट्रस्ट के माध्यम से पूरे गांव वालों को दे दिया। क्या ये कर पाएंगे? क्या ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो हम क्यों इनको वोट कर रहे? आज ये आए थे, आपको एक सवाल पूछना था, क्या इस करबला मैदान के आसपास इतने घर मकान है यहाँ के बच्चे सीजीएल की परीक्षा में गए थे कि नहीं लिखने के लिए? आज करबला के आसपास जितने गांव के नौजवान हैं, क्या वो सीजीएल की परीक्षा में गए थे कि नहीं? 4 लाख बच्चों ने परीक्षा दिया था और इनकी जुबान से वो शब्द नहीं निकलता, फिर भी आप उम्मीद करते हैं ये हमारे बाल बच्चों के भविष्य के बारे में। खैर वोट आपका है, देना ना देना जिसको देना, लेकिन हाँ इतना कहेंगे गिरिडीह में कंफ्यूज मत होइएगा, गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ का टाइगर दिल्ली जाने की तैयारी में। इसलिए और साथ ही साथ चूंकि हमारे बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज उत्पन्न करते हैं, लोगों को दुविधा में डालने का प्रयास किया जाता है कि लड़का जीतने के बाद यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, अरे हमारा अभी 13 को केस है, पुलिस 3000 पुलिस हमको घेर के खड़ा थी, तो हम कहीं नहीं गए तो सांसद बनने के बाद कहाँ जाएंगे? हम सरकार में आएंगे भैया, सरकार बनाएंगे, अपना पार्टी अपना छाप से बनाएंगे। इसलिए दुविधा में वोट आपका है, हम अभी भी नहीं बोल रहे वोट हमको दीजिए, लेकिन इस दुविधा में मत रहिए। बहुत सारे लोगों को दुविधा में ये पार्टी वाले लेके आते हैं कि ये जीत जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, कहीं जाने वाले नहीं है। हम लोग अपनी पार्टी रजिस्ट्रेशन होने वाली है, हमारा खुद का छाप रहेगा, हम लोग संघर्ष करेंगे प्रयास करेंगे, लेकिन जो सोच के साथ हम लोग राजनीति में आना चाहते हैं उस सोच को कायम करने का जो अधिक प्रयास है उस पर हम लोग अमल करेंगे। क्योंकि ज्यादा समय नहीं लगे, नमाज का वक्त है, तमाम नमाजियों से हम गुजारिश करना चाहेंगे, जितने भी नमाजी हमारे बारह नंबर बोले थे टाइगर था, अच्छा 12 नंबर गैस सिलेंडर, टाइगर सीधा संसद के अंदर। हम बोल रहे हैं करबला मैदान पे टाइगर जयराम में तो यहाँ पे संबोधित कर रहे थे, यहाँ पे अल्पसंख्यक समाज के लोग अधिक रहते हैं, भीड़ आप देखिए, भीड़ टाइगर जयराम में तो सुनने यहाँ पे आई हुई थी, और फिर यहाँ से आगे काफिला बढ़ेगा तो देख सकते हैं।